पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीजेपी पर धमकियां देने का आरोप लगाया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान कर रहे हैं और पुलिस की धमकियों की रिकॉर्डिंग उनके पास है। सपा ने पुलिस और प्रशासन के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए। यूपी उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का एक पोस्टर इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने खुद को 27 का खेवनहार बताया है। एनडीए में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है और ऐसे में उनके इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि आज निषाद पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए भाजपा शिखर पर है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहती हूं कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अगर वो रहते तो हो सकता है कि सपा का बीजेपी में विलय हो रहा होता। गाजियाबाद जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल हो गया, जहां एक मामले की सुनवाई के दौरान जज और वकीलों के बीच झड़प हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बवाल काट रहे वकीलों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। अब इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट के केंद्रीय नाजिर संजीव गुप्ता ने कवि नगर पुलिस स्टेशन में वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और अशोक कटारिया, भाजपा के पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह सहित कई भाजपा नेता मंगलवार को मुजफ्फरनगर में MPMLA अदालत में पेश हुए। वहीं डासना मंदिर की पुजारी यति नरसिंहानंद अदालत में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में एक युवक को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। युवक की पहचान 20 वर्षीय गुरफान खान के तौर पर हुई है। आरोप है कि गुरफान ने जिशान सिद्दीकी को फोन करके सलमान खान को धमकी दी थी। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का आरोपी अफजल परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज कुमार मयंक ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कानपुर शहर के लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस लगातार अभियान चलाकर जागरूक कर रही है। इसके बाद भी लोग इनके नए नए ठगी के पैतरों के शिकार होकर लाखों गवा रहे हैं। साइबर सेल का दावा है कि केवल जागरूकता ही इसमें बचने का एक बड़ा साधन है। ताज़ा मामला बिट्ठूर में रहने वाली महिला का है, जहां पीड़िता को तस्करी में आरोपी बताया। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 90 लाख रुपए ठग लिए। अयोध्या दीपोत्सव से एक दिन पूर्व माँ कामाख्या धाम में 1,51,000 दीपों को जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या दीपोत्सव की तर्ज पर बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव के द्वारा माँ कामाख्या धाम लगातार कई वर्षों से दीपोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी पर आज भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। बहराइच जिले के ग्राम पंचायत बहोरिकपुर गांव निवासी किशोरी पर जंगली जीव ने हमला कर दिया। किशोरी को गंभीर हालत में CSC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिवार के लोग भेड़िए का हमला बता रहे हैं। परिवार के लोगों ने शोर मचाते हुए किशोरी को छुड़ाया। इसके बाद CSC में भर्ती कराया गया। किशोरी को CSC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।